डियर स्टूडेंट, आप इम्तिहान में जा रहे हो। इम्तिहान हॉल में जाने से पहले पहले चाहे मैट्रिक के स्टूडेंट हो या फिर इंटर के स्टूडेंट हो, इस वीडियो को देख करके ही अपन अंदर जाना, क्योंकि इसमें से कम 3 क्वेश्चन आपको सिर्फ इस वीडियो से आने वाले हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। नंबर 1, इसमें मारफा की कितनी किस्में हैं, ये सवाल नंबर आपका 1 हो जाएगा। पूछेगा इम्तिहान में से मारफा की कितनी किस्में हैं, आप बताओ। इसमें मारफा की 6 किस्में हैं। कितने हैं? 6 किस्में हैं। विकल्प देगा 3, 4, 5, 6, 7, आपको कुछ भी दो, आपको 6 चुनना है। ये आपका क्वेश्चन 1 हो गया, ठीक है। और दूसरा आता है, और कौन कौन है? नंबर 1 अलम खास, नंबर 1 अलम खास। खास किसे कहते हैं? ओरिजिनल नाम को, जो आपका ओरिजिनल नाम आपके माँ बाप ने किसी मोहल्ला साहब से रखवाया है, वही उसको बोलते हैं आलम खास, या इसमें खास, या इसमें मारफा, कुछ भी बोल सकते हो। अब इसमें मारफा की किस्में जो नीचे आ रही है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो आलम खास इन्हीं में ये क्या है? अलम खास है। अलम तुम्हारा नाम होता है, अपने जाति नाम को अलम खास कहते हैं। जैसे एक आदमी का नाम है असदुल्ला, मान लीजिए शायर है, राइटर है, अलम खास। इम्तिहान में दूसरा सवाल आएगा कि हुकूमत की तरफ से जो नाम दिया जाता है, अमीर उमरा की तरफ से जो बड़े लोगों की तरफ से नाम मिलता है, उस नाम को क्या कहते हैं? अब विकल्प होगा अलम खास, खिताब, लकब, तखल्लु, 4 विकल्प होगा, आप क्या चुनोगे? याद रखना कि हुकूमत का नाम आ जाए, हुकूमत, अमीर उमरा या बड़े ओहदा की तरफ से, हुकूमत की तरफ से जो आपको नाम मिलते हैं क्या कहते हैं? तो टिक लगाएगा, उसको हम आलम खास नहीं कहेंगे, उसको हम खिताब कहेंगे। यानी हुकूमत की तरफ से जो नाम दिए जाए उसे हम क्या बोलते हैं? खिताब बोलते हैं। तीसरा सवाल आएगा कि आवाम के बिना, आवाम की तरफ से आपके अच्छे या बुरे काम के बिना पे जो नाम मिलता है आवाम की तरफ से, यानी पब्लिक की तरफ से, उसे क्या कहते हैं? फिर विकल्प होगा अलम खास, खिताब, लकब, कुनियत, तखल्लुस, ये 4 देगा विकल्प। आपको बोलेंगे कि हुकूमत के आवाम की तरफ से अच्छे या बुरे काम के बिना पे जो नाम मिलता है उसे हम लकब कहते हैं। इसको दोबारा सेट कर लेना, हुकूमत की तरफ से मिले तो खिताब, आवाम से मिले तो लकब। और उसके बाद फिर आएगा एक और सवाल आएगा कि तखल्लुस के बारे में आता है, बुझेगा कि शायर अपने असली नाम से हटकर एक छोटा नाम रखता है, उस नाम को क्या कहते हैं? फिर विकल्प रहेगा खिताब, लकब, तखल्लुस, कुनियत। चुनेंगे कि शायर अपने असली नाम से हटकर जो छोटा नाम रखता है जनाब, उसे हम तखल्लुस कहते हैं। क्या कहते हैं? तखल्लुस कहते हैं। और एक और चीज आएगा कि रिश्ते के बिना पे कोई नाम अगर है, उस नाम को हम क्या कहेंगे? फिर आएगा लकब, कुनियत, तखल्लुस, खिताब। तो आपके लिए भाई रिश्ते के बिना पे जो नाम आता है, उस नाम को हम क्या बोलते हैं? कुनियत बोलते हैं। और इसकी पहचान 4 है, 5 है, मैं आपको दिखा रहा हूं। अगर आ जाए आपके इम्तिहान में जिस नाम में लगा हो इब्न, या लगा हो बिन, या लगा हो उन, या लगा हो अभी, अभी, अबू, इब्न, बिन, ये नाम लगा हो और पूछे कि क्या है? लकब है, कुनियत है, तखल्लुस बोलिएगा नहीं। इब्न मना होता है बेटा, और बिन मना होता है बेटी, उन मना होता है माँ। उम्मे सलमा क्या है? चुनेंगे उम्मे सलमा क्या है? तो कुनियत है। इब्ने मरियम क्या है? तो कुनियत है। बिनते रसूल क्या है? तो कुनियत है। जिसमें इब्न, बिन, उन, अबू और अभी, ये 5 लफ्ज अगर लगे हो और पूछ इम्तिहान में किसकी पहचान है, ये क्या है? लकब, तखल्लुस, कुनियत, बोलेंगे नहीं जनाब, ये हर हाल में आपका ये कुनियत रहेगा, जो रिश्ते को बता रहा है। तो इब्न मैंने बेटा, और बिन्त मैंने बेटी, उम मैंने माँ, इब्न मरियम, मरियम का बेटा, बिन्त रसूल, रसूल की बेटी, उम्मे सलमा, सलमा की माँ, रिश्ता बता रहा है, माँ बेटी का, माँ बेटे का, ठीक है। तो ये जगह कुनियत हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, एक आता है उर्फ। अब वो जगह असली नाम के अलावा जिस नाम से इंसान मशहूर हो जाए उसे क्या कहते हैं? खिताब, लकब, उर्फ, तखल्लुस, बोलेंगे जनाब ये तो उर्फ हो जाएगा। जैसे आपका नाम राशिद है, आपका नाम साजिद है, लेकिन वो आपको बबलू कहते हैं, पप्पू कहते हैं, बबलू कहते हैं, पिंटू, बंटी, है ना, या लंगला, चाहे कुछ भी बोलते हैं, जिस नाम से आप प्रसिद्ध हो जाओ, मशहूर हो जाओ, उसको बोलेंगे उर्फ। याद रखिए, असली नाम के अलावा जो नाम मशहूर हो जाए उसी को हम उर्फ बोलते हैं। जैसे चुन्नू, बबलू, टबलू, पप्पू, मुन्नी,
बंटी सब क्या है वही है ठीक है ना। ये आपका हो गया इसमें मार्फा की अक्साम और उसके डिफिनेशन। याद रखिएगा इम्तिहान में इसके बगैर क्वेश्चन आपका नहीं बनता है। नंबर एक उर्फ, नंबर दो कुनियत, तीन तखल्लुफ, लकब चार, खिताब पांच और मिखास छह ठीक है ना। इन छह में से दो से तीन क्वेश्चन इम्तिहान में आपके आएंगे, यकीन बन जाएंगे 100% आएंगे। याद रखिएगा हुकूमत से जो नाम मिले वो खिताब है और आवाम से जो नाम मिले अच्छे या बुरे काम करने आपने कहा है वो लकब है और खुद से अपना एक नाम शायद नीचे रख लेता है अपने नजम गजल के आखिर में उसको तखल्लुस कहते हैं। जो रिश्तों को बताए वो कुनियत है और जिससे इंसान मशहूर हो जाए वो उर्फ है। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ आई होगी। तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलता हूँ खास एक टॉपिक करके, तब तक के अल्लाह हाफिज़।